यूक्रेन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, गर्मजोशी से गले लगाया। रूसी हमले में मारे गए बच्चों पर बनाई प्रदर्शनी देखी। एक दिन के यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी किव में फोमिंग बॉटनिकल गार्डन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पोलैंड से रेल फोर्स वन ट्रेन में 10 घंटे का सफर तय कर यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी। किव में यूक्रेन के अधिकारियों ने स्वागत किया। यूक्रेन में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। किव में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 200 लोगों से मिले पीएम मोदी, लिखा तस्वीरें साझा कर लिखा भारतीय समुदाय ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों में उत्साह, सभी ने युद्ध खत्म करवाने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से पहले ही दिया शांति का संदेश, कहा युद्ध नहीं होता तो किसी समस्या का समाधान। पीएम मोदी ने के यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दावा, यूक्रेन संघर्ष के खात्मे में भारत निभा सकता है अहम भूमिका। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया कोलकाता कांड का आरोपी संजय राय, सीबीआई को आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी का इंतजार। आर्जीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 8वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ, पिछले 7 दिन में 88 घंटे हो चुके हैं सवाल जवाब। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का सीबीआई जल्द कराएगी पॉलीग्राफी टेस्ट, सियालदह कोर्ट ने मंजूरी दी। दिल्ली के एम्स सहित देश भर के सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म किया, काम पर लौटे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स की मांग पर विचार के लिए कमेटी बनाई है, कहा अगर काम पर नहीं लौटे तो गैर हाजिर माने जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने निकाली मौन रैली, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ कैंडल मार्च में शामिल हुई। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, राज्य के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हथियारबंद रिटायर्ड फौजियों की तैनाती की। बदलापुर कांड के बाद सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर में मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील, लिखा घटना का सब विरोध करते हैं। बदलापुर में स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के मामले में कार्रवाई तेज, एसआईटी ने पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट बंटवारे पर बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 24 सीटों में 13 पर लड़ सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, सीपीएम के खाते में एक सीट, 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, ज्यादातर सीटों पर सहमति बनी, कुछ सीटों पर हम तो कुछ सीटों पर वो अड़े हुए हैं। एनसीपी अजीत गुट ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल समेत सूची में 26 नेताओं के नाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल के जमानत पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा। केजरीवाल की जमानत पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी, शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत अमेरिका के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर, वाशिंगटन में भारतीय समुदाय से भी राजनाथ मिले। वाशिंगटन डीसी में राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, कहा दुनिया में भारत का बड़ा कदम, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। राजनाथ सिंह बोले दुनिया का ताकतवर देश बना भारत, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। नेशनल स्पेस डे पर दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों को नेशनल स्पेस डे की बधाई दी है, देश में आज पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर इसी दिन उतरा था। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। नेशनल स्पेस डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो की तारीफ की, बोले चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरकर भारत ने इतिहास रचा, इसरो ने इस उपलब्धि से दुनिया को चौंकाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में हुई दोनों की शिष्टाचार भेंट। 1989 में आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार, गोविंद मोहन ने अजय कुमार भल्ला की जगह ली। रांची में बीजेपी की रैली पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, युवा अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हेमंत सोरेन क्यों डरे हुए हैं, न्याय और अधिकार की लड़ाई को दबाया जाना गलत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर बोले बीजेपी नेता अमर सिंह, मार्च को दबाने की कोशिश कर रही है झारखंड सरकार, बीजेपी की रैली से सरकार डरी हुई है। ओडिशा विधानसभा में बीजेडी और कांग्रेस विधायकों का हंगामा, गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल, बिल में घुसे विपक्षी विधायक, आबकारी मंत्री का मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की। विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम धामी, बजट में गरीब की चिंता की गई है, बजट में युवाओं और किसान की प्रमुखता को रखा गया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी को लेकर बोले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार, बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, उनके आंतरिक सर्वे में वो हार रहे हैं, महाविकास अघाड़ी 180 से ज्यादा सीट जीतेगी। दिल्ली में बुजुर्गों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन की शेष 10,000 रुपए आज जमा होंगे। दिल्ली के मंत्री आतिशी बोले बीजेपी ने पिछले 5 महीनों से बंद की थी पेंशन। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य के
67 केंद्रों पर परीक्षा, दो शिफ्टों में हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। दूसरे राज्यों के करीब 6,30,000 युवा भी शामिल, सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले गोरखपुर में महिला सिपाही और उनका सहयोगी गिरफ्तार, मोबाइल से मिले थे 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, पूछताछ में सिटिंग के बाद कबूली। गोरखपुर में महिला सिपाही के फोन में सिपाही भर्ती के 5 एडमिट कार्ड मिले हैं, हिरासत में लिया गया आरोपी दिल्ली का बताया जा रहा है। एसटीएफ की टीम सभी से पूछताछ कर रही है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का नाम, लखनऊ के हुसैनगंज में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा, लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल तैनात। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा, डीआईजी ने कहा मुरादाबाद में 26 सेंटर पर परीक्षा हो रही है, जिले में कंट्रोल रूम में नजर रखी जा रही है। नोएडा में भी भर्ती को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम, जॉइंट सीपी ने कहा 18 परीक्षा केंद्रों पर तैनात है टीमें, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी पर्याप्त टीमें लगाई गई। मथुरा में जलभराव के कारण एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाए अभ्यर्थी, एक छात्र ने कहा पानी भरा रहने के कारण परेशानी बढ़ी और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर छूट गया। गोरखपुर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते कड़ी सुरक्षा, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सभी अभ्यर्थियों को हुई चेकिंग। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम के 11 चैनलों पर केस दर्ज किया, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, सभी जगह पुलिस तैनात है, अभी तक कहीं से भी लीक होने की खबर नहीं है, भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे में कोचिंग के मालिकों को राहत नहीं, राजधानी कोर्ट ने कोचिंग के 4 मालिकों की जमानत अर्जी खारिज की। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, 2 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। उद्योगपति अनिल अंबानी पर सेबी का बड़ा एक्शन, धोखाधड़ी के मामले में लगाया 25 करोड़ का जुर्माना, सिक्योरिटी रिस्क मार्केट में भी 5 साल के लिए बैन। झारखंड में एनआईए की छापेमारी, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआईएम के नेताओं ने छापेमारी की। पूंछ में भारतीय सेना को बड़ी सफलता, पीओके निवासी और आतंकी समूह लश्कर का गाइड जहीर हुसैन शाह पकड़ा। जम्मू कश्मीर के काठुआ में संदिग्ध गतिविधि दिखी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू किया। असम में 47,928 अवैध प्रवासियों का पता चला, सरकार ने आंकड़ा जारी कर कहा इसमें से 47% लोग हिंदू हैं। छतरपुर कांड के मास्टरमाइंड पर एक्शन, प्रशासन ने आरोपी हाजी शहजाद अली की कोठी को जमींदोज किया। अयोध्या गैंग पर रेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नेपाल में दत्ताक सड़क हादसा, तनहूम जिले में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, यूपी नंबर की थी बस, बस में सवार सभी 40 यात्री भारतीय थे, पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। नेपाल बस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, 16 को रेस्क्यू किया गया। इंदौर में निर्माणाधीन रिसोर्ट की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, डीसीपी उमाकांत चौधरी ने एजेंसियों द्वारा मामले की जांच करवाई जाएगी। एमपी के पांडोरना के मोही घाट में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल। दिल्ली के शाहजहां डेयरी में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला, बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के कांदीवली इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के डिग में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला, गुस्साए लोगों ने इलाके को बंद करने का ऐलान किया। लखनऊ में 12वीं के छात्र ने खुद को कमरे में बंद किया, छात्र ने पिता के लाइसेंस से बंदूक से खुद को गोली मारने की धमकी दी, पुलिस ने छात्र का सफल रेस्क्यू किया। मौके पर कई घंटे तक बना रहा तनाव, लड़के ने 3 राउंड फायरिंग की, पड़ोसियों के मुताबिक मोबाइल को लेकर घर में हुआ था विवाद। बरेली में इंस्पेक्टर के घर पुलिस की छापेमारी, आवास से मिले 9,96,000 रुपए, अपने ही थाने की दीवार कूद कर इंस्पेक्टर फरार। बिहार के रोहतास में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या को लेकर विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार के पीछे से फायरिंग, बाल बाल बचे सिक्योरिटी ऑफिसर, दानापुर विधायक के भाई पर हमले का आरोप। हैदराबाद में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, 3 संदिग्धों के पास नशे की गोलियां बरामद। मैसूर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, फ्रिट्स गेट होटल के पास एक बैग से 9 जिलेटिन की छड़े और 1 देसी पंप बरामद किया गया। राजधानी दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली के आरकेपुरम और मुनिरका इलाके में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, सभी लोग नेपाल के नागरिक थे। चमोली में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मथुरा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी। मथुरा में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, घुटनों तक भरा पानी, आम लोगों को दिक्कत। त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति, अब तक 10 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति लापता। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी।
वायुसेना ने भी प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा राज्य सरकार की हर संभव मदद करेगा। केंद्र राहत बचाव के लिए 40 करोड़ रूपए दिए गए हैं। कठिन समय में त्रिपुरा के साथ है। त्रिपुरा सीएम मानिक शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गोमती जिले और दक्षिण त्रिपुरा में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साउथ त्रिपुरा के बोलोनिया में बीएसएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सीएम मानिक शाह ने जानकारी दी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला, सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद किया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0। राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजसमंद के नाथद्वारा के भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया पौधारोपण। लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की गई। महसाणा में बेचराजी पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। बहुचराजी माताजी के मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम तुगुतुरी प्रकाशम की आज 153वीं जयंती। हैदराबाद में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तिमाही बैठक पूरी हुई। राम मंदिर में 2023-24 में 363 करोड़ 34 लाख दान मिला है। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5291 जन्मोत्सव पर दीपदान का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मथुरा की तरफ से 5251 दिए जलाकर यमुना में दीपदान किया गया।